तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग छोटी मशीन यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आपकी मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है? ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सिलाई खराब आना, ठीक है, नीचे की सिलाई खराब आना या ऊपर की सिलाई खराब आना या धागा तोड़ना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारी मशीन तेज तेज आवाज़ करने लगती है, ये सारी प्रॉब्लमें आने लगती है। उन सभी प्रॉब्लमों का सलूशन हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप अगर हमारा ये काम करते रहेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो काम अगर करते रहेंगे तो ना ही आपकी मशीन धागा तोड़ेगी, ना ही तेज तेज आवाज़ करेगी, ना ही ऊपर की सिलाई खराब देगी, ना ही नीचे की सिलाई खराब देगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक ऑयल ऐसा बताने वाले हैं जिस ऑयल को लगाने से हमारी मशीन फिर जल्दी ख़राब नहीं होगी। क्या होता है कि मार्केट में कभी आपने देखा होगा, मार्केट में हम पाउच ले आते हैं, ठीक, तेल वाले पाउच ले आते हैं, वो हमने डाला, डालने के बाद बस घंटे दो घंटे बाद तेल साफ़ हो गया, क्योंकि आजकल कितनी लपट चल रही है, गर्मी लू वगैरह चल रही है, तो इससे क्या होता है कि मशीन बहुत जल्दी सूख जाती है। तो हमें कैसा तेल चाहिए? हमें एकदम गाढ़ा तेल चाहिए, एकदम बढ़िया तेल चाहिए। तो वो तेल कौन सा है वो भी हम आपको बताएंगे। और एक और तेल है, उससे हम अपनी सर्विसिंग करेंगे मशीन की, तो इससे क्या होगा कि हमारी मशीन पहले सर्विसिंग करेंगे, उसमें दूसरा ऑयल यूज करेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा जब उसमें लगाएंगे वो दूसरा ऑयल लगाएंगे, तो इससे हमारी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी, और ना ही मतलब नीचे की सिलाई ख़राब देगी, ना ही ऊपर की सिलाई ख़राब देगी, ना ही तेज तेज आवाज़ करेगी, ना ही धागा काटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी कमेंट वाली हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आप ही की कमेंट का होगा। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड ध्यान से देखें। ये हमारे पास बजाज कंपनी की मशीन है, आपकी मशीन कोई भी कंपनी की, कोई इससे मतलब नहीं, बस जो जो काम हम आपको बताने वाले वो ही आपको करना है। आपकी मशीन ना ही धागा तोड़ेगी, ना ही सिलाई खराब देगी, ना ऊपर की सिलाई खराब देगी, ना नीचे की सिलाई खराब देगी, कुछ भी नहीं करेगी, ठीक, और सिलाई एकदम बढ़िया चलेगी। और तेज तेज अगर आवाज़ कर रही है तो वो भी करना छोड़ देगी। देखें ध्यान से, थोड़ा देख सकते हैं, ये तेज तेज आवाज़ कर रही है और ये भी करना बंद कर देगी। बस आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू वॉच करना है। तो फ्रेंड्स चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, एक हमारे पास इस तरीके का कप होना चाहिए, ठीक है, कप, एक हमारे पास ब्रश होना चाहिए, इस तरीके का ब्रश भी होना ज़रूरी है, और पेंचकस, पेंचकस तो बहुत ही ज़रूरी है, अगर पेंचकस नहीं होगा तो फिर हम आगे का काम कैसे करेंगे। तो पेंचकस हमारे पास थोड़ा बड़ा होना चाहिए तो हम पार्ट्स को अच्छे से खोल सकेंगे। तो चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम कहाँ से होती है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी नाल में, ठीक है, नाल कभी कभी क्या करती है, तेज तेज आवाज़ भी करने लगती है, उसके बाद धागा भी काटने लगती है। क्या प्रॉब्लम आती है, धागा क्यों काटती है? तो चलिए सबसे पहले हम नाल को ही खोल कर इसे क्लीन करते हैं, उसके बाद बताते हैं इसमें क्या करना है। तो चलिए इसे डिब्बी है, ये वाली डिब्बी से अलग कर लें। बस वीडियो को कंटिन्यू देखें, आपकी सभी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाल को खोल लेना इस तरीके से, ये दोनों इसके पैंचों को खोल लें। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, हमें इसे निकाल लेना, अलग कर लेना इसे निकाल के, उसके बाद ये वाले पैंच खोल लेना है। आज मशीन की ऐसी सर्विसिंग करेंगे कि ये मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी, और आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपकी मशीन भी कभी ख़राब नहीं होगी। बस वीडियो को कंटिन्यू देखें, थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा भाई, विश्वास बिना किए कुछ नहीं होने वाला। तो पेंच ज़्यादा टाइट होते हैं तो इन्हें सही से खोल लें, इस तरीके से इसे भी खोल लें और इसे भी खोल लें। चलिए दोनों पेंचों को हमने खोल लिया, इस तरीके से खुल के बाहर निकाल लें इन्हें। तो पेंचों को ध्यान से रखें, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए। तो इसके बाद हमें निकाल लेना इसे, ठीक है। देखें एक प्रॉब्लम ये भी है, देख सकते हैं, इसकी वजह से भी हमारी मशीन धागा ख़राब देने लगती है या फिर धागा तोड़ने लगती है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम, इसे भी टाइट कर लें या फिर इसे पार्ट्स जो चेंज होंगे उसके पार्ट्स चेंज करा लें। तो चलिए अब हमें सबसे पहले खोल लेना है, इस चीज़ को खोल लेना है, मेन प्रॉब्लम हमारी इसी में होती है, धागा तोड़ना या सिलाई ख़राब देना, सारा कुछ इसी में होता है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं और इसे उठाकर साइड में कर लें इस तरीके से। बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे खोल लेना है इस तरीके से, इस तरीके से इसे खोल लें, काफ़ी टाइट है ये, तो इसे अच्छे से खोल लें। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ये जे चीज़ होती है ये फंसने लगती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी कभी कभी आ जाती है। अभी तो फिलहाल नहीं फंस रही है, अगर ये चीज़ फंसने लगे तो हमें क्या करना है, कागज़ का यहाँ पर कोई धागा ले लें, ठीक, धागा लेकर यहाँ पर बीच में इसके रख लें, रखने के बाद फिर इसे लगा लें, तो ये इसमें इसके बीच में गैप हो जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी नरम चलने लगेगी। तो अब चलिए वो बात बाद की है, ठीक, जब प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे क्लीन कर लेना। क्लीन कैसे करेंगे, बस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना, ऑयल ले लेना है, इस तरीके से ऑयल ले लें। ये कौन सा ऑयल है, देखिए आपके पास अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर तारपीन वाला तेल है, ये तारपीन वाला तेल यानी कि ये वो वाला तेल है जो बार्निश में यूज किया जाता है, ये भी काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। तो हमें हल्का तेल ले लेना है कोई भी, चाहे कैरोसिन ले लें यानी कि मिट्टी वाला तेल ले लें, कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसे क्लीन कर लें, देख लेना बहुत ही कमाल का यानी कि ऑयल है ये, इससे
हमारी मशीन एकदम बढ़िया हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से इसे क्लीन कर लें। तो इस तरीके से इसे क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्लीन कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बताएंगे आपको क्या करना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से क्लीन कर लिया हमने। बस इसमें कोई गंदगी ना रहनी चाहिए। अगर इसमें गंदगी या धागा वगैरह फंस जाता है तभी हमारी मशीन तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर धागा वगैरह चेक कर लें। अगर आपके पास पेचकस है या सुई है तो सुई इस तरीके से ऐसे करके कर लें। अगर धागा वगैरह होगा तो निकल जाएगा, धागा तो वैसे भी निकल गया होगा। तो चलिए देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल सूख गया है, इसमें मतलब उड़ गया, ठीक है। इसीलिए हम इस तेल को यूज करते हैं। उसके बाद इस पार्ट्स को भी इसे भी क्लीन कर लें, ठीक भाई। तेल देने में कंजूसी ना करें। तो इस तरीके से इसमें भी ऑयल लगा के इसे भी क्लीन कर लें। उसके बाद ये पत्ती वगैरह इसे भी क्लीन कर लें। इसका खास रोल होता तो खास रोल ही है, लेकिन इसमें ऑयल ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस तरीके से इसे भी क्लीन कर लें। मेन चीज़ होती है, हमारी देख सकते हैं काफ़ी गंदगी इसमें निकल रही है, तो बस इसे अच्छे से क्लीन कर लें। ये हमारी सटल होती है, यहाँ से ही यही हमारी धागा काटती है। ध्यान रखें, अगर धागा काट रही है मशीन तो कुछ कभी कभी इस चीज़ को चेक करके देख लें कहीं पर खरांच वगैरह तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, खरांच होने से भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो चलिए इस तरीके से इसे ऑयल से क्लीन कर लें। तो इसे अच्छे से ऑयल देकर ऐसे भी क्लीन कर लें। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही होगी तो तोड़ना बंद कर देगी। चलिए इस तरीके से इसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसे क्लीन करने के बाद अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे क्लीन करने के बाद अब इसे बंद कर लेते हैं। अब इसका काम खत्म है। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे जो कि हमारा ऊपर मशीन में और भी पार्ट्स होते हैं तो उन्हें भी हम क्लियर कर लें। उसके बाद इसे कस लेंगे। तो चलिए इसे कस लेते हैं, नहीं तो फिर। तो इस तरीके सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे रख लें। अब इसमें ऑयल कौन सा लगाएं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऑयल अगर नहीं लगाया तो सब फिर प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी। तो चलिए अब हमें इसे कैसे लगाना है, देख सकते हैं ये तिरछा वाला हिस्सा है, देखें ध्यान से, ये तिरछा वाला हिस्सा, ये बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सपाट है। तो सपाट वाला हिस्सा नीचे रखना है और तिरछा वाला हिस्सा ऊपर रखना है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। और इस तरीके से चेक करके देख लें कहीं टाइट नहीं होनी चाहिए, देखें ध्यान से, इस तरीके से चेक करके देखें कहीं टाइट हो रही है तो उसे भी देख लें। तो चलिए इसे कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब इस पत्ती को लगा के कस लें इस तरीके से, देख लें उल्टा नहीं लगना चाहिए ये। तो इस पत्ती को रख के यहाँ पर कस लें। तो चलिए यहाँ पर लगा कर कस लें। तो इसे हमने कस लिया, ठीक, ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस इतना करना कि बस हमारी कसी रहे और इस तरीके से चलती रहे। ज़्यादा टाइट करने का कोई मतलब नहीं, बस टाइट करने से क्या होगा कि फिर ये चीज़ हमारी उठेगी नहीं, ठीक, इसीलिए टाइट करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं ये हमारी अभी सही काम कर रही है। तो चलिए इसे अलग कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारी मशीन। सबसे पहले टापा खोल लें इसका, इसमें भी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी गंदगी इसके अंदर भी लगी हुई होगी। तो इसे कैसे साफ़ करेंगे, बस वही अपना आइडिया, उसके बाद इसे भी साफ़ करना है, ठीक है। तो इसे साफ़ करने के लिए हमें क्या करना है, इसे भी ओपन कर लेना, ये बूट हटाकर अलग कर लें। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को स्किप ना करें भाई, अगर स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको और हमें भी वीडियो बनाने का। तो चलिए इसे खोल लें, इस पेंच को भी खोल लें। तो ये पेंच जो है उन्हें हिसाब से रखें, संभाल कर रखें। चलिए इसे भी खोलकर अलग कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी जमी हुई है। शायद है आप लोग भी अपनी मशीन का ये वाला पार्ट्स नहीं खोलते होंगे। अगर ये वाला पार्ट्स नहीं खोलते हैं, कौन कौन लोग नहीं खोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं ये हमारा हिल्ला, इससे क्या होता है कि हमारी चाल भी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि किधर भी कपड़ा लगाओ, किधर सिलाई करो, किधर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हिलना नहीं चाहिए, तो इसे टाइट कर लें, इसे टाइट कर लें। अगर ये हिलेगा तो फिर, तो चलिए इसे टाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसे ब्रश से इस तरीके से साफ़ कर लें, गंदगी को निकाल कर अलग कर लें। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हम अपना ऑयल लगा के इसे साफ़ कर देंगे, तो हमारी चाल की सेटिंग भी एकदम झक्कास हो जाएगी। तो इसे ऑयल से इस तरीके से साफ़ कर लें, देख सकते हैं एकदम दांते हमारे एकदम साफ़ हो गए, एकदम क्लीन हो गए।
तो चलिए इस तरीके से हम अपने दांतों को भी इसे साफ कर लेते हैं। तो चलिए इसे करने के बाद अब हमें क्या करना, यही काम में यहाँ पर भी करना है, इस तरीके से साफ़ कर लें। अगर हमारी मशीन भारी चल रही है, जाम चल रही है, कहीं धागा फंसा है तो वो भी निकल जाएगा इस ऑयल से। इस तरीके से देख लें कहीं धागा वगैरह तो नहीं फंसा है। अभी इसमें ऑयल लगाएंगे तो एकदम पूरी तरह से ये मशीन सही हो जाएगी। तो इस तरीके से धागा अगर फंसा हो तो उसे निकाल दें। तो इस तरीके से इसे क्लीन कर लें। अब इसमें ऑयल कौन सा लगाएं, मेन चीज़ होती है ऑयल लगाना। अगर ऑयल अगर हम सही तरीके से जान गए कि कौन सा ऑयल हमें देना है इसमें, तो हमारी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब देखिए अगर पार्ट्स कट जाएं इसके, जैसे कि इसके पार्ट्स ये हिला है, अगर यही कट गया तो फिर इसे भाई चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सुई अगर हिल रही है तो इससे हमारी मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, हमारी मशीन सिलाई भी छोड़ सकती है, धागा भी तोड़ सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का पार्ट्स अगर हिल रहा है तो फिर इसे हम चेंज कर दें या बदलवा दें, दूसरा डंडा ये वाला पड़ जाएगा। अगर आप लोग डंडा डालना नहीं जानते हैं इसमें तो कमेंट करें, हम आपको डंडा डालकर भी दिखाएंगे सुई वाली रॉड को कैसे चेंज करें, ठीक है। चैनल पर मेरे वीडियो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है तो फिर इसे चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले ही आप अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसे पलटा लें और पलट कर मशीन में सभी में ऑयलिंग कर लें। इस तरीके से ऑयल कर लें सभी में, अच्छे से क्लीन कर लें। बस ध्यान से देखते जाएं वीडियो को, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मशीन से रिलेटेड सभी सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से ऑयलिंग कर लें। तो इस तरीके से ऑयलिंग कर लें। तो सभी में अच्छे से सफाई कर लें। भाई देखो सफाई करने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर इसे हम आगे इसमें ऑयल कौन सा लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे अभी। तो चलिए ऑयल कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, थोड़ा ध्यान से देखें। कपड़े से अगर साफ़ करने वाली गंदगी है तो कपड़े से भी साफ़ कर लें, उसके बाद ऑयलिंग करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑयलिंग करेंगे तो फिर कचरा हमारा फंस जाएगा इसमें। तो इस तरीके से क्लीन कर लें, पहले कपड़े से कर लें उसके बाद ऑयल से करें। तो चलिए इतना करने के बाद सारा कुछ हमने कर लिया, ठीक है। अभी टाइम तो और भी लग सकता है, लेकिन चलिए अब हम टाइम नहीं लगाएंगे, अब हम इसे क्लोज करते हैं और सारा सिस्टम इसका घड़ी करते हैं। इसमें और देख लें, इसके अंदर भी अगर गंदगी है तो इसे भी साफ़ कर लें। पहली बात इसमें गंदगी होती नहीं है, ये बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। अगर इसमें भी गंदगी है तो इसमें इसे भी क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल सही अपनी जगह पर काम कर रही है मशीन। तो चलिए अब हमें ऑयल कौन सा लगाना, मेन चीज़ होती है ऑयल लगाना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पटरी को कस लेते हैं, उसके बाद ऑयल लगाएंगे। तो चलिए इसे हमने कस लिया, अब इस नाल को भी कसते हैं। नाल को कसने से पहले हम लगाएंगे इसमें ऑयल। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले आप समझें, एक तो हमारे पास ऑयल ये वाला हमारा मार्केट वाला ऑयल, ठीक है। जैसे कि मार्केट से हम लेने जाते हैं तो मार्केट में जो खुला वाला ऑयल होता है वही हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। पहला तो ऑयल हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, जो खुला वाला यूज करते हैं। देखिए पाउच वाला अगर यूज करेंगे, पाउच वाला हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। पाउच वाला बहुत पतला होता है, एकदम सूख जाता है। और अगर हमारे पास ये वाला ऑयल नहीं अवेलेबल है तो हम ये वाला लगा सकते हैं। देखें ये सरसों आंवला केस, यानी कि डाबर सरसों आंवला केस तेल है, यानी कि डाबर का है और बादाम की शक्ति भी इसमें है, तो ये हमारी मशीन को ताकत पहुंचाएगा। यानी कि ये एक मजाक है, ठीक है, लेकिन जो ऑयल है इसका ऑयल हमारा जो खुला हुआ ऑयल होता है उससे थोड़ा पतला होता है, ठीक है। कभी आप यूज़ करना सरसों वाला, ये चिपचिपा नहीं होगा, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि हमारी मशीन के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर हम चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से यूज करेंगे, तो चलिए हम आपको बता दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मशीन में और मशीन हमारी 100% सही चलेगी। देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से देखें, ये वाला ऑयल हम यूज कर सकते हैं। देखिए चिपचिपा नहीं है, इसलिए एकदम जल्दी से निकल गया, और ये गाढ़ा होता तो जल्दी निकलता नहीं।
तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये कुछ टाइम तक आपका टिका रहेगा इसमें, ठीक है, टिका रहेगा तो फिर हमारी मशीन गाड़ी मतलब हमारी मशीन फिर तेज तेज आवाज़ भी नहीं करेगी, एकदम बढ़िया चलेगी। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला अवेलेबल नहीं है तो ये सरसों वाला तेल सबसे बेस्ट है। आपके पास कोई कीप होनी चाहिए, कीप से अच्छे से लग जाएगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे फैलेगा ज़्यादा, या फिर आपके पास कीप नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ये वाली जो शीशी है, जो हमने ये वाला कप है, इसका सुखा लें इसे, और इसमें थोड़ा ये वाला मिला लें ऑयल, और थोड़ा मिक्स कर लें ये वाला, तो आपका ऑयल एकदम बेस्ट बन जाएगा, एकदम सुपर बन जाएगा, यानी कि सुपर पावर वाला, बादाम से बादाम की ताकत भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसे ऑयल को मिक्स कर लें और काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, देखें ध्यान से। और फिर आप इसे इस तरीके से यहाँ पर भी लगा लें, और जहाँ जहाँ हमारे मशीन के पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं, वहाँ वहाँ आप लगा सकते हैं, आपकी मशीन एकदम मशीन में आपकी ताकत आ जाएगी। इस तरीके से लगा लें, एक बार लगा लेंगे तो आपकी मशीन काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगी, ना ही कोई दिक्कत देगी। इस तरीके से ऑयल भर लें, इसमें अच्छे से लगाएं, ऑयल लगाने में कंजूसी ना करें। इस तरीके से ऑयल को लगा सकते हैं, अगर आपके पास खुला ऑयल नहीं है तब आप यूज़ इसे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑयल है ये। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें, तो चलिए इस तरीके से अब हमें क्या करना है, ये वाली इसे कस दें, उसके बाद हम आपको चलाकर भी दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अभी ऑयल इसमें भी लगाना है हमें, यहाँ पर भी, तो इस पर भी ऑयल लगा लें, ठीक है। आपके पास ऑयल जो भी है उससे लगा सकते हैं, तो ये वाला ऑयल हमने जो इसमें डाला है लगाया है, तो इसे लगा लें, इस तरीके से इसे लगा लें, आसानी से लग जाएगा ऑयल। ब्रश से काफ़ी अच्छे से लगता है, एक बार ब्रश से लगा लें, उसके बाद फिर चाहें जैसे जैसे चाहें वैसे आप लगा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। इस तरीके से लगा लें मशीन की सभी, यानी कि जहाँ जहाँ पर मशीन हमारी मूव करती है वहाँ वहाँ लगा लें, इस तरीके से लग जाएगा ऑयल। तो चलिए अब इसे हम इसकी नाल को कस देते हैं, तो नाल को कैसे कसना है तो चलिए देखें ध्यान से थोड़ा। इस तरीके से इसकी सुई को ऊपर कर लें, ठीक है, सबसे पहले सुई को ऊपर कर लें ऐसे करके, और ये वाली सटल है ये इसे घुमाकर इस साइड कर लें। तो चलिए देखें आसानी से लग गई, देखें इस तरीके से लग गई, और जो झेंक है झेंक देख लें, दोनों होल एकदम बराबर दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इसमें पैंचों को डाल लें। तो इस तरीके से पैंचों को डालकर, अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट ज़रूर कर लें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें, कमेंट बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसे भी लगा लें इस तरीके से, तो इसे अच्छे से टाइट कर लें, दोनों साइड से अच्छे से टाइट कर लें, देख सकते हैं अब आवाज़ भी हमारी मशीन कम कर रही है, यानी कि जो पार्ट्स कटे हुए हैं वो तो नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ मेरी मशीन कम कर रही है, ये 100% सी हो रहा है। तो चलिए उसके बाद हमें ऑयल यहाँ पर लगा लेना है, इसमें भी डाल देते हैं ऑयल को, तो इसमें भी ऑयल को डाल दें, अच्छे से डाल दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंजूसी ना करें ऑयल डालने में, अच्छे से लगा दें। ऑयल डालने का ये तरीका कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी मशीन एकदम बढ़िया चलेगी, एकदम बेहतरीन चलेगी। देख सकते हैं अब मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो भाई पुरानी के हिसाब से बुढ़ापे का शरीर है इसका, तो फिर उसी हिसाब से ये चलेगी। तो चलिए इसमें भी ऑयल को डालें, इसमें भी डाल लें, मशीन ये हमेशा के लिए एकदम टन हो गई, एकदम बढ़िया हो गई, और कम से कम महीने भर तो इसे बोलना नहीं पड़ेगा ऑयल के लिए। तो चलिए इसे अब कस लेते हैं, अब इसे क्लोज करके फिर हम आपको चलाकर दिखाते हैं कि मशीन हमारी कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपकी मशीन धागा काट रही है यहाँ से, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये प्रेशर फुट होता है, काफ़ी ढीला होता है, इस तरीके से काफ़ी ढीला होता है, तो क्या होता है कि सुई के साइड से टकरा के निकलती है, मतलब ये सुई इससे चिपक के निकलती है, ये इस वाले प्रेशर फुट गई, चाहे तो इस साइड से निकल सकती है, चाहे तो इस साइड से निकल सकती है, चाहे इस साइड से, तो चिपक के निकलने से क्या होगा, धागा होता है नाजुक तो धागा टूट जाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इसे भी देख लें और सही से साइड कर लें इसे, ठीक, चाहे इस साइड कर लें, चाहे बिल्कुल बीचा बीच में सुई को चलना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम कहाँ से ठीक करेंगे, वो जो टापा हमने खोला था यहाँ पर एक पेंच दिया जाता है, उसे लूज करके और इसे इस साइड या इस साइड कर सकते हैं इस वाले डंडे को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी अगर आती है तो इसी तरीके से हम इसे ठीक करेंगे। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं और धागा डालकर फिर दिखाते हैं आपको मशीन चल रही है कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स क्लीन करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसे भी खोलकर और इसे अच्छे से क्लीन कर लें, तो क्या होगा कि हमारी मशीन नीचे की सिलाई अगर ख़राब दे रही है तो वो भी नहीं देगी, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। चलिए धागा डालकर दिखाते हैं मशीन हमारी कैसी चल रही है। चलिए धागा देख सकते हैं एक ही बार में ऊपर आ गया है, तो हमारी मशीन सही चलेगी। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, मशीन हमारी एकदम सही चलेगी, एकदम बढ़िया चलेगी।
देख सकते हैं एकदम अच्छी सिलाई दे रही है, बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की। देखें देखिए ऊपर भी सिलाई अच्छी दे रही है, नीचे भी सिलाई एकदम सही टाँके दे रही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चाल है ये थोड़ा ढीली है, तो इसे भी ठीक करेंगे तब ये सही चलेगी। तो इसे कहाँ से ठीक करें ताकि यहाँ ये बिल्कुल सही रहे, तो अभी तो हम इसे कस लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चालों को कैसे ठीक करें। काफ़ी सरल तरीका है साफ करने का, सही करने का। तो देख सकते हैं अभी ये नीचे हो जाती है, इसलिए चाल हमारी। तो चलिए फिलहाल में हमारी मशीन एकदम सही है, एकदम ओके चल रही है, कोई दिक्कत नहीं दे रही, थोड़ी महीन सिलाई दे रही है। महीन देने का कारण यही है कि ये चाल थोड़ा इसकी गड़बड़ा है, ठीक है, तो इसे भी सेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट जो ये वाला सिस्टम है इसके जस्ट नीचे एक पेंच दिया है, ठीक है, इसमें देख लेना इस ढक्कन को उचका के, तो आपको एक पेंच दिखाई पड़ेगा। देखें ध्यान से थोड़ा, देखें एक पेंच चमक रहा होगा, ठीक है, देखें थोड़ा अंधेरा लग रहा है लेकिन एक पेंच चमक रहा है, उसे टाइट कर लें तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी मशीन वहीं पर बिल्कुल। अभी तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि पलटाना पड़ेगा मशीन को, अंदर इसके पेंच दिया गया है, देखें ध्यान से ये वाला पेंच है, ठीक है, ये वाला पेंच दिया गया है, तो इसे टाइट करने से फिर हमारी मशीन बिल्कुल जहाँ की तहाँ अटक जाएगी, ठीक है, यानी कि जहाँ। तो चलिए दोबारा फिर चेक करके दिखाते हैं आपको, अब हमारी मशीन सही हो गई और ये वाला सिस्टम अब नीचे नहीं आ रहा है, ये वाला सिस्टम यहीं पर लटक गया क्योंकि जो पेंच था उसे हमने कस दिया। विस्तार से आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम यही वाला सिस्टम बताएंगे। तो देख सकते हैं सिलाई मेरी एकदम ओके हो रही है, एकदम झक्कास हो रही, बढ़िया हो रही, ठीक, गुलाबी ऊपर नीचे वाइट कलर का धागा लगा है। तो देखें अगर आपकी कोई कमेंट है तो भैया कमेंट जरूर करें, गुलाबी नीचे भी लगा, गुलाबी ऊपर भी लगा, यानी दोनों तरफ गुलाबी गुलाबी है, कोई बात नहीं, धागा कोई मतलब नहीं, सिलाई अच्छी आ रही है। तो चलिए उम्मीद है आपने वीडियो को समझा होगा और अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी, बस ये हमारी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।